अच्छा टेलीविजन पे एक आवाज आती थी, मैं समय हूँ, आज मैं आपको भारत की गौरव गाथा सुनाने जा रहा हूँ। तो कौन सा सीरियल आता था बताइए? महाभारत। एग्जैक्टली। और महाभारत के जो सूत्रधार थे, जो समय, तो समय का वॉइस ओवर किया था हरीश बिमानी जी ने। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। महाभारत कथाओं का महासागर है, ये सिर्फ पुराण नहीं महापुराण है। इसका एक एक किरदार यादगारी था और जिन कलाकारों ने इन किरदारों को यादगार बनाया आज वही हमारे बीच आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं उन्हें बुलाऊं, अर्चना जी उनके सामने आपने थोड़ा अपनी हंसी भी कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि उनको जरा सा भी शक हो गया ना आप राक्षस योनि से हो, कहीं हमला ना कर दें। अरे आओ, अरे शर्मा, ओ ब्रो कप्पू, देवर जी क्या हुआ? वो महाभारत वाले आने वाले थे, आ गए वो? वो कैसे आएंगे, उनके रथ तो यहाँ घूम रहे हैं। अरे वाह, रथ आ गए, लेकिन महाभारत वाले क्यों नहीं आए अभी तक? कप्पू क्या बोली, क्या बोली? मैं बोली रथ आ गए। अरे वो भी हमें रथी बोल रही है, जैसे ये बोल रहे थे। अब देखो, अगर दो लोग हमें रथ बोल रहे हैं तो हो ना हो हम रथ जैसे दिख रहे हैं। सही बोली। हे कप्पू, मैं ना तेल बिल गरम करके रखी है, महाभारत वाले जैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं उनका मसाज करेगी। ओए, वो तेरी मसाज कराने नहीं आ रहे? हाँ, मसाज कराने नहीं आ रहे, सबसे पहले आके तो हमारी भैंसिया का दूध पिएंगे वो। कोई किसी को कुछ नहीं पिलाएगा, महाभारत वालों को सिर्फ चंदू अपने हाथ की बनी चाय पिलाएगा। हाथ तेरे बड़े मुमताज जैसे ना। कपू शर्मा, इधर यार, महाभारत वाले लोग आ रहे हैं, तुम मुमताज को लेकर बैठ गए हो। ओ यार, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ, देखना जब वो आएंगे मैं उनसे पूछूंगा कैसे हैं आप। और वो बोलेंगे हम तो जैसे भी हैं, तुम इस शो में कैसे हो? फिर मैं उनको बोल दूंगा, वैसे तो मैं इधर कॉमेडी करता हूँ लेकिन अंदर से मैं योद्धा हूँ। कप्पू, तेरे इस योद्धा का ना पौधा उखाड़ देगी मैं, पता नहीं। खबरदार, अगर मेरे पौधों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ये तो आप सबके गमले तोड़ दूंगा मैं इधर। अबे तू हाथ लगा के तो दिखा। ओए ओए खंडरों की खाला, जाओ जाकर अपने लिए कोई राक्षस ढूंढो। अबे ओ चीटियों के चमनप्राश, ज्यादा इधर ताकत दिखाई ना, तेरे बॉडी में से सारा जिंक निकाल लेगी मैं और फिर नाचेगी जिंक 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 जिंक। ओ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्यों लड़ रहे हैं हम? जो मेहमान होता है ना वो भगवान के समान होता है। मेहमान के समान पे नजर है इसकी, मेहमान के समान पे नजर है, हाथ चुरा के उठ भागेगा ये पक्का। अच्छा, खुद से भागा नहीं जाता, औरों के भागने से इसको प्रॉब्लम रहती रहती है। ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम थोड़ा सा रेंगना शुरू करो, हो सकता है तुम भी भागना शुरू हो जाओ। सही कह रहे हो गंदे देवर जी। हेलो हेलो गाइस। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, जब तक महाभारत वाले लोग नहीं आते मैं उनके लिए रंगोली बना लेती हूँ। तू रंगोली छोड़, तू अपना करियर बना। हाँ, तेरी जवानी निकलने में आधा घंटा ही बचा बस। जवानी भले आधे घंटे में निकल जाए लेकिन हसरतें जिंदगी भर नहीं निकलेगी कपूर शर्मा। ये देख ली इनकी परफॉर्मेंस, मैं तो कहता सोनी टीवी से स्टे ऑर्डर ले लो। कपूर शर्मा, अपने दोस्त को गिरवी रख के कोई बैंक से 100-150 का लोन क्यों नहीं ले लेते यार? ओए हाथी मेरे साथी। मेरी बात सुनो, जैसा तुम परफॉर्म कर रहे हो जाकर चिड़ियाघर में परफॉर्म करो। हाँ। मेरी बड़ी जान पहचान है उधर, तुम कहो तो मैं बात कर देता हूँ। जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं ना चिड़ियाघर वाले, इसके साथ आपकी जान पहचान होगी क्योंकि चैनल वाले तो आपको अंदर घुसने नहीं देते होंगे। इतनी बेइज्जती हो वाले प्राणी के साथ मैं नहीं खड़ा रह सकता। सही है, सही है। ओए नहीं, चैनल की तो तुम बात ही ना करो। कपूर शर्मा बताओ इनको चैनल मेरे कैसे जलवे हैं? जलवे तो बड़े हैं इसके, मतलब सोनी चैनल ने लगातार 4 दिन पीटा लेकिन मेरा यार एक सेकंड के लिए बेहोश नहीं हुआ। और तारीफ वाले बताओ कपूर शर्मा, तारीफ वाले बताओ। तारीफ वाला काम भी करो ना पहले। तो तुम तारीफ वाला करने दो अगर मैं करूंगा। अरे जितना तू इधर चिल्ला रहे ना, अगर हाथ में कटोरा रख के सिग्नल पे चिल्लाया होता ना अभी तक 150 रुपए का गल्ला हो जाता तेरा। तुम कटोरा पकड़ो भी ना, बस वैसे ऐसे कर दो, तुम्हारा 301 रुपए पक्का है। इतनी बेइज्जती वाली औरत के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता अभी। लेकिन देखा देखा आपने अर्चना जी, दोनों पूरा दिन काम करके भी 450 से ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं।
और यहाँ पर आते ही सबसे पहले हजार हजार रुपए का नाश्ता ऑर्डर करते हैं ये दोनों। ये कप्पू तेरे इतने दोस्त है, अगर एक दोस्त कम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं ना तेरे को ना। हे भगवान मेरे को माफ करना, आज समय से पहले एक बंदा तेरे पास भेज रही हूँ और इसकी आत्मा का जो करना है तू करना तेरी। तुम लोग अपना नाटक बंद करो, मुझे मेहमानों का वेलकम करना है, निकलो यहाँ से। नहीं कप्पू, अब वक्त आ गया कि हम सब तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले चलेंगे, तुम्हारे भार को थोड़ा सा हल्का करें। अच्छा यार दे, मानेगी नहीं, दोस्त बुला लो, हम पे ट्रस्ट करो यार, हम भी अच्छा वेलकम करेंगे। हाँ कप्पू बुला ले, बुला लो यार, बुला लो। ठीक नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, मैंने उनको कहना मैंने रेंट पे लिए हैं बस। तो दोस्तों आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं महाभारत के वीर योद्धाओं का, अर्जुन जी, युधिष्ठिर, गजेंद्र चौहान जी, दुर्योधन, पुनीत सर जी और शकुनी मामा गुफी पेंटल साहब। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर मैंने आपके लिए एक बोली भी तैयार की है, गादू कल। बारी पर सीखट न गया सीखट के ले आते ताले, बारी पर सीखट न गया सीखट के ले आते ताले, साडे घर आए महाभारत वाले, साडे घर आए महाभारत वाले, साडे घर आए महाभारत वाले, जी जी वाले वाले, जय हो जय हो जय हो जय हो। भाभी थक गई, इधर आओ, वो महाभारत से आए, पगवाड़े से नहीं आए, बल्ली बल्ली तीर क्या कर रही है? तो मुझे भी पता था, मैंने भी देखे हुए थे। सही बोला सर, मैं आप लोग की बहुत बड़ी फैन है, मेरा ना उधर पार्लर है, आइए ना मैं आप लोग का मसाज करेगी, आइए। पार्लर में कुछ नहीं रखा है, आप ना हमारे तबेले की ओर प्रस्थान कीजिए, हमारी भैंसी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होगी, गदगदा जाएगी। ये बचपन से गदगदाए हुए है सर, इसको इसलिए हर चीज गदगदाई हुई लगती है। आप सर मेरे ढाबे पे आइए, देखिए टमाटर आपके इंतजार में लाल हुए पड़े हैं, अदरक लहसुन ने एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है महाभारत वालों ने उनका तड़का खाना है। आइए सर प्लीज। सर 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 इसकी दाल ना इससे भी ज्यादा बासी है, मैं आप सबके लिए ना पकौड़े तल के लाती हूँ। हाँ, तू पकौड़े बना, तेरी चटनी मैं बनाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। पूरी की किसी ने चटनी उसे धोए बिना बनाई तो ये बहुत बास मारती है, धोके बनाना। दीदी आप मेरे साथ हो या इसके साथ? पगली मैं सोनी टीवी के साथ हूँ, मुझे जो पैसा देगा मैं उसी के साथ हूँ जल्दी। मैं तो आप लोगों को देख के दंग ही रह गई, आप तो सच्ची मुच्ची इतने ऊंचे लंबे चौड़े हो, अब तो महाभारत खत्म होगी, अब तो छोटे हो जाओ। सर आपने कुरुक्षेत्र में इतने बड़ा युद्ध लड़ा, एक आध भाला हो तो निकाल के मारो ना सबको। बड़ा यहां से अभी मारो, बारी बरसी खटन गया सी खट के ले, बारी बरसी, अगर उनका खटन गया सी ना तो खट के आंदे भाले अंदर डाले भाले। चलो चलो यहां से निकलो, लेडीज के भी मार देते हैं। अरे मार देते हैं, कोई भरोसा नहीं है, चलो 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 भाई चलो 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 अब अंदर जाके। हां हां जोरदार तालियां एक बार, आइए सर प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। कपिल भाई आपसे एक बात कहनी है। जी सर। महाभारत ने हम सबके सारे सपने पूरे किए और आज एक सपना बाकी था आपका कि आप महाभारत वालों से मिलो, वो भी पूरा हो गया। और ये हमने 30 साल पहले सोच लिया कि हम कपिल के शो में आएंगे। मुझे सवाल पूछने लायक छोड़ा ही नहीं अभी। अच्छा पुनीत सर आप कंफर्टेबल है ना, चारपाई लगा दें। अच्छा
पर सर आज आपको देख के सच में इतनी खुशी हो रही है, उस समय जब हम महाभारत देखते थे आप वैसे ही रियल लाइफ में इतने लंबे चौड़े हैं, और ऊपर से जब इनको मुकुट में देखते थे, हम कॉस्ट्यूम में देखते थे ना, लगता था कि हम महाभारत काल में पहुंच गए। आज ये नॉर्मल कॉस्ट्यूम में आए ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं सर आप चारों, जोरदार तालियां। लेकिन आज अर्चना जी वाकई बड़ा ऐतिहासिक दिन है, महाभारत को हम लोग टीवी पे देखते रहे आज से 35 साल पहले, आज उसके सारे किरदार यहाँ पे मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक अर्चना जी आपको मालूम है कि जब महाभारत आता था तो 92% टीवी सेट्स पे महाभारत देखा जाता था। कितनी बड़ी बात है, जोरदार तालियां बनती हैं। मतलब ऑडियंस के दिलों दिमाग में ऐसा छाया है महाभारत सर, आज तक हमें सारे सीन्स याद हैं, सारी लड़ाइयां, सारे वाक्या याद हैं। अच्छा, महाभारत का अगर जिक्र करें और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले दमदार अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर मिस्टर नीतीश भारद्वाज, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। हमने सुना था कि महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने, उन्होंने सिंधु नरेश को हराने में पांडवों की मदद की थी, आप पांडवों के साथ थे, हमारी अर्चना जी के साथ कोई था भी नहीं, फिर भी उन्होंने सिद्धू नरेश को उठा दिया। अच्छा, लेकिन अर्चना जी, हम जब भी महाभारत सीरियल को याद करते हैं या हम भगवान कृष्ण का नाम लें तो हमारे सामने नीतीश जी का चेहरा आता है, अगर हम दुर्योधन की बात करें तो पुनीत सर का आता है, युधिष्ठिर की बात करें, अर्जुन की बात करें, मामा शकुनी की बात करें, तो यही चेहरे सामने आते हैं क्योंकि हमने इनको देखा है। गुफी सर, आप तो इसके कास्टिंग डायरेक्टर भी थे जी, तो सर कैसे कास्टिंग का सिलसिला कैसे हुआ, सबकी कास्टिंग कैसे हुई? हमने उन दिनों में करीबन 3500 ऑडिशंस लिए, एंड दिस इज एज अर्लियर एज 1986। 86 में ऑडिशन शुरू हुआ और 88 में रिलीज हुई महाभारत, और 84 से हम प्लानिंग कर रहे थे, दैट मींस 4.5 years वी टुक इन प्लानिंग, और 2.5 साल इन इसके कास्टिंग में चले, और ये सब हीरे आपके सामने हैं। क्या बात है, सब उन्हीं में से। कपिल भाई, जिंदगी में शकुनी ने एक ही अच्छा काम किया, कास्टिंग अच्छा। एक्चुअली जब महाभारत जैसा सीरियल बने तो कास्टिंग करना वाकई बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल आती है उस किरदार के लिए एक्टर चुनने में जो महामानव हो और भगवान भी हो, जैसे नीतीश सर का किरदार था भगवान कृष्ण का। ये भी ध्यान रखा गया था कि छोटे से छोटा एक दरबान भी है जी, वो भी अच्छा हो। वाकई बॉसेस वर नॉट हैप्पी यू नो अगर हम कोई ऑर्डिनरी खड़ा कर देते, सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे कैरेक्टर्स लाए। बिल्कुल सर, और मैंने देखा सर इतनी डिटेलिंग में काम हुआ है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई ना तो घोड़े हरियाणा से लिए थे इन्होंने। मतलब सर, लेकिन जब भगवान कृष्ण की कास्टिंग हुई नीतीश जी की, ये कैसे मतलब कैसे मुलाकात हुई आपकी इनके साथ? नहीं, इनसे मुलाकात मतलब मेरा सवाल ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कास्टिंग डायरेक्टर थे, चाहते तो आप खुद भी कृष्ण बन सकते थे। आपने शकुनी मामा का रोल चुना। सर मैं इतनी गलत फहमियां नहीं पालता। ओहो नीति सर, मेरा एक दोस्त है चंदू, मैंने उसको कहा कि आज ना एक गैग करना है, तो उसमें हमने करोड़पति आदमी का करेक्टर करना, उसने साफ मना कर दिया, कहता मंथली 25,000 से सैलरी के ऊपर वाले आदमी का किरदार मैं कंफर्टेबली नहीं हूँ, मेरा चेहरा ही कहता गरीब है। लेकिन अगर भगवान कृष्ण का रोल करना है, इतना जिम्मेदारी का रोल होता वो, इतना बड़ा किरदार जिसमें इतने सारे शेड्स हो, तो कितनी तैयारी थी सर आपकी, क्या आप उस समय नर्वस भी थे? नहीं, नर्वस तो नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये जो किरदार होते हैं ये कहीं ना कहीं विधि लिखित होता है जी, और इनको ऐसा नहीं होता कि आपको ये किरदार मिल गया और आपने महीने भर में इसकी तैयारी कर ली। अब इसके लिए जितनी सारी आवश्यकताएं थी, स्क्रिप्चर्स का जानना, वेद, उपनिषद, भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी का पढ़ना, ये बचपन से हमारे घर में था। अच्छा, जो मेरी परवरिश ही वैसी हुई है, हमारा घर का संस्कार ही वैसा रहा है जी, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है विधि लिखित के कारण ये मेरी तैयारी ऊपर वाले ने तभी से करवा ली। वाह, कि किसी एक दिन कपिल शर्मा मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले ये विदुर कर रहे थे। अच्छा जी, और दो दूसरे सिलेक्ट हुए थे जो कि कृष्ण का रोल करने वाले थे, एक पुराने एक्टर थे और एक हमारे युधिष्ठिर जो बैठे हैं, ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर कृष्ण। अच्छा जी, ही वाज विदुर, बट देन लेकिन शकुनी ने अपनी चाल चल दी। नहीं, देन रवि साहब और हमने इनके साथ कुछ एड फिल्में की, उसमें हमको इनका पता लगा कि आंखें भी बड़ी बोलती हैं, एंड इज गॉट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत सो गुड। अच्छा, तो फिर दैट्स चेंज। क्या बात, ही वाज सो गुड, वेरी।
तो नीतीश सर, जब आपको सेट पे कोई नीतीश कह के बुलाता था, आप मुड़ते थे या प्रभु कहते तभी मुड़ते थे? मेरे सेट पे रवि जी की एक आदत थी, वो कभी किसी को हमारे नामों से नहीं बुलाते थे। अच्छा जी। दुर्योधन, शकुनी, इन्हीं नामों से सब चलता था, तो वो दुविधा की परिस्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। तो सर, एक अर्चना जी का सवाल था, इनका ये सवाल था कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप प्रोड्यूसर से चेक मांगने गए हो और उन्होंने कहा हो हमने तो भगवान कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दिया, आपको मिला नहीं? अच्छा, अर्जुन सर का नाम बड़ी देर बाद पता चला सर कि आपका नाम फिरोज खान था, लेकिन बाद में अर्जुन के कैरेक्टर में आपको इतना प्यार मिला लोगों का, तो सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया इसलिए आपने यही नाम रख लिया कि आप अर्जुन के कैरेक्टर से इम्प्रेस हो गए थे? नहीं सर, जब मैं इसमें सिलेक्ट हुआ था जी, तो चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया था ऑफिस में, वहाँ डॉक्टर राही मासूम रजा और नरेंद्र शर्मा जी सब बैठे हुए थे। अच्छा जी। उन दिनों एक फिरोज खान प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जी, तो जब भी मैं कभी उनके पहले भी मैं फिल्मों में काम करता, तो मैं किसी को फोन करूं कि जी मैं फिरोज बोल रहा हूं, तो वो तो बड़े हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सडनली मैं बोलता जी मैं फिरोज खान बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपके ऑफिस में आना चाहता हूँ। कौन कौन फिरोज? मतलब इस तरह से डेबेकल हो जाता था, आइडेंटिटी प्रॉब्लम कि मैं समझ में नहीं आता था मैं फिरोज कैसे बोलूं। तो जब ये बात वहां निकली तो राही साहब ने कहा कि भाई देखिए आपका सिलेक्शन हुआ है एज अर्जुन, तो क्यों नहीं मैं अर्जुन ही रख दें। मैंने कहता था तू जैसा आप चाहें। क्या बात? इस तरह से मेरा नाम अर्जुन। और फिर आज मेरी माँ मुझे अर्जुन के नाम से पुकारती है। अच्छा पुनीत सर, महाभारत से पहले फिल्मों में काफी विलन के रोल किए हैं सर आपने, यही कारण था आपको दुर्योधन का रोल ऑफर किया गया? नहीं जी, सबसे मेरी पहली फिल्म थी कुली जी, वो किसको भूल सकती है सर। दैट वाज द फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट विद अमित जी, आते तोड़फोड़ कर दिया आपने। उसके बाद क्या था कि जिस तरह के मैं रोल्स चाहता था करना वो मुझे ऑफर नहीं हो रहे थे। अच्छा जी। तो नेगेटिव, बिकॉज़ क्या कुली के हादसे के बाद एक इमेज बन गई थी कि पुनीत सर इज अ लाइक यू नो 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स और डील डॉल इतना जबरदस्त है, तो इसको एक्शन के रोल्स ही दो। तो मुझे पता चला कि चोपड़ा साहब जो है महाभारत बना रहे हैं, तो मैं जब गया मुझे देखते ही कहते हैं वाह, वो तो इसको भीम बना दो। अच्छा। मैं परेशान, मतलब यार भीम, मैंने कहा सर मैं यहाँ पे दुर्योधन के पात्र के लिए आया हूँ। अच्छा जी। मैं कहा तो राही साहब थे कि मियां हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं और तुम विलन बनना चाहते हो? सर मैंने महाभारत पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बिल्कुल। तो उससे मुझे एज एन एक्टर दिखाने को बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं उसके लिए ऑडिशन करने को तैयार हूँ। वाह। तो फिर कहा बताइए क्या आपने पढ़ा है? तो मुझे याद है मैंने मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है जयद्रथ वध जी, मुझे पूरा कंठस्थ याद था। वाह। तो मैंने वो सुनाया उनको, तुमको बहुत अच्छा लगा, और दैट्स हाउ आई वाज कास्टेड फॉर दुर्योधन कैरेक्टर। क्या बात है, वाह। पर जैसे सर ने कहा ना कि मैंने महाकाव्य पढ़ के उनको सुनाया तो उन्होंने रोल दे दिया। हाँ जी। आप ना भी पढ़ के सुनाते, डर के ही आदमी दे देता कि भाई जो लेना ले लो आप। अच्छा, महाभारत में जैसे शुद्ध हिंदी का उच्चारण करना पड़ता था और कुछ शब्द जो थे वो तो संस्कृत में भी थे, तो कितना मुश्किल होता था सर? ये मेरा सबसे सवाल है, जो भी मतलब आपको जैसे नीतीश सर ने तो कहा था, सबसे इजी प्रवीण कुमार के लिए था। कैसे? उन्होंने पंजाबी में हिंदी बोल और वही कारण था कि पुनीत को भीम नहीं मिला। हाँ। क्योंकि इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। नहीं, दूसरा क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ये मानना है कि हनुमान और भीम ये पंजाबी थे। करेक्ट। हाँ। तो, क्योंकि पहले दाराजी, दाराजी थे हनुमान जी, और फिर ये अपना प्रवीण पाजी हमारे बन गए भीम। हाँ, मुझे एक सीन याद आ गया, ऐतिहासिक सीन है वो जो पूंछ वाला। हाँ, उसका मैं सुनाता हूँ जी। That scene was directed by me. अच्छा जी। तो एक छोटी सी झरना सा बह रहा था, उसके बगल में हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में। तो ये हनुमान जी हैं, उनकी पूछ जो है पूरी इधर फैली हुई है, वो दारा सिंह जी थे जी, और इधर भीम आते हैं, तो अब दोनों पंजाबी। मैं कहूँ एक्शन, तो बोलते हैं जी ओ बांद्रा पूछ टा, बांद्रा वो कहते मैं नहीं टाऊंगा तू टा ले। हनुमान होया कि आप हनुमान है ऐसा करके डब होया, बड़ा ब्यूटीफुल सीन आया। अच्छा वाह, क्या बात है। हम तो डबिंग वाला सुन के भी मजे ले रहे थे, कुछ जब करना हे वानर कृपया अपनी पूछ उठाएं।
वो कहते अगर तुमसे हटती तो हटा लो, तो हम तो उसी में मजा ले रहे थे। मेरे को अब बताया ना कि पंजाबी में बोल दिया तुमने, वाह क्या बात है, कितने मजेदार किस्से। अच्छा दर्शकों को पता ही है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि नितिश सर ने पहले चक्रव्यूह प्ले में श्री कृष्ण का रोल किया। अच्छा। फिर महाभारत में श्री कृष्ण का रोल किया, एक फिल्म आई थी महाभारत और बारबरिक, तो उसमें भी ये कृष्ण बने। बी आर चोपड़ा साहब के सीरियल विष्णु पुराण में विष्णु का रोल भी किया। सर आपने इतने भगवानों के रोल किए हैं, तो जब कोई आपको नमस्ते करता है तो आप नमस्ते करते कि आपका आशीर्वाद निकल जाता है? वो गलत हाथ से दे रहे हो। डिटेलिंग एक बार कपिल बताता हूँ, अर्चना जी अर्जुन वो विराट रूप, अरे नहीं कृष्ण जी विराट रूप अपना बता रहे हैं और पूरे सारे रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स और यू नो एवरीथिंग बहुत ब्राइट और सूरज एकदम ऊपर, तो ये बोलते हैं प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी और आंखें पूरी बंद नहीं थी। सर आप बताइए इतने सारे रिफ्लेक्टर आंख पे मारा पाए और इतने सारे एचएमआईज है और वो कितने आंखें खोलूं मैं? रवि साहब कहते हैं ओए खाते खोल। अच्छा वो भगवत गीता के एपिसोड्स तो सारे शूट हो गए, 3 एपिसोड्स थे, हम लोगों ने 6 दिन में 3 एपिसोड्स खत्म कर दिए। अच्छा क्योंकि मुझे ही बोलना था शुरू। अच्छा। से अंत तक मैं ही बोला जा रहा हूँ, मैं ही बोला जा रहा हूँ, सब संस्कृत हिंदी ये सामने बैठ के सुन रहा है। तो एक दिन सब ये खत्म हो गया 3 एपिसोड, तो मुझे कहता है यार कृषि यार मैं ठीक कर रहा हूँ ना मैं अर्जुन का पार्ट, मतलब इसमें भगवत गीता के एपिसोड में। मैं कहा देख यार फिरोज यू आर सपोज टू बी कंफ्यूज, तू कंफ्यूज लग रहा है। वाह क्या बात है, कितने मजेदार किस्से। आई एम श्योर लोगों को बड़ा मजा आएगा सुन के। सर लेकिन जब ये महाभारत इतना विराट हिट हो गया तो उसके बाद में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए? शोज मिलने लगे। अच्छा शोज मिलने लगे, पैसे ज्यादा मिलने लगे एक्चुअली। पैसे भी ज्यादा मिलने लगे और लोग इतना पहचानने लगे। जी जी। तो शोज में क्या करते थे पेंडल साहब फिर? एक एक डायलॉग और बस आशीर्वाद देना और क्या। नहीं ये तो दोहे भी गाता था। महाभारत के ना जोक्स बहुत बने। अच्छा जी। जैसे मैं सुनाता हूँ, दो पंजाबी लेडीज आपस में बात कर रही थी कि तुम महाभारत देखनी है? कहता हाँ जी। कहते पांडव किन्ने भरा सी? कहते 5। कहते ना 10। कहते एक दा भीम सीगा, एक भीम तो वड्डा सीगा, एक उस तो छोटा सीगा, एक उस तो छोटा सीगा, ते पांचवे दा नाम मैं भूल गई हां। सोचो अभी तो उन्होंने पांडवों के नाम पूछे, अगर कौरवों के पूछ ले। अच्छा वैसे तो सर महाभारत में जो हमने पढ़ा है, जो देखा है कि पांडवों और कौरवों का 36 का आंकड़ा था, लेकिन जब आपकी ब्रेक होती थी, आप तो किरदार निभा रहे थे, तो आप ये मान के चलते थे कि उनके खेमे में नहीं बैठना है, अपने इधर बैठना है? नहीं, सबकी नजर खाने की टेबल पे होती थी एक्चुअली। अच्छा। और महाभारत में एक और चीज बहुत मशहूर थी, जूते पहन के बाहर का आदमी सेट पे आ जाए। अच्छा। तो 100 रुपया फाइन होता था एक आदमी को। अच्छा जी। तो हम लोग ढूंढते थे बाजू में कौन शूटिंग कर रहा है और उसको जाके बोलते थे ए पुनीत को जानता है? बोला हाँ मेरा फ्रेंड है। बोला आ जा तुझे बुलाया उसने। तो वो अंदर आता था बोले किसने बुलाया? बोले पुनीत ने। बोले पुनीत को 100 रुपया फाइन। अच्छा गोपी सर आपने और पुनीत सर ने दो नेगेटिव किरदार थे, शकुनी मामा और दुर्योधन, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप पांडवों के साथ वैसे पर्सनल लाइफ में कहीं घूम फिर रहे हो और लोगों ने उनको बड़ी इज्जत दी और आपके साथ भेदभाव हुआ? मेरे साथ मैं आपको एक कवाल किस्सा सुनाता हूं। इसका व्यू है, हम शूटिंग कर रहे थे इन जयपुर, क्लाइमैक्स सीक्वेंस, युद्ध का सीक्वेंस, युद्ध का, तो वहां के बहुत बड़े उद्योगपति थे। अच्छा जी। तो उन्होंने पूरी टीम को डिनर पे आमंत्रित किया। अच्छा जी। आप आइए जी खाना हमारे भोजन करिए। तो पूरी टीम हम पहुंच गए। अब मेरे पे तो एक टैग लगा हुआ था कि दुष्ट दुर्योधन। हाँ। अब ऐसा बैठे हुए तो मैं बैठा साथ में, उधर शायद रूपा गांगुली यहाँ बैठी हुई थी, चोपड़ा साहब वहां थे, सामने नितेश और अर्जुन वहां बैठे हुए थे। अच्छा जी। तो जो लंबा टेबल था तो घर के पीछे ना वहां पे सारी औरतें खड़ी थी, वहां से वो लेडीज में खुसुर पुसुर हुई, एक आई और उसने रूपा के कान में कुछ कहा कि आपको वहां बुला रहे हैं। अच्छा। रूपा उठ के चली गई। वो गई, जैसे पहुंची तो बाद में थोड़ी देर बाद रूपा वहां से आई और मुस्कुराती हुई आई। मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे बाद में पता चला, उसको बोला कि तुम उसके उस दुष्ट के पास कैसे बैठ रही हो? तो वहां से जाओ, जाकर अर्जुन और अपना कृष्ण के पास बैठो। अच्छा इसके बाद जब खाना परोसना शुरू किया
तो क्या वहाँ उनकी घर की परंपरा ये थी कि जो खाना परोसेंगे तो घर की लेडी जो थी वही सबको खाना परोसेंगी, और चांदी की थाली में सब में खाना सबके लिए था, तो सबको डाल, जैसे मेरी बारी आए औरतें मुझे बाईपास करके जाए दूसरों को दे तो मुझे तो खाना ना दे, और मुझे जो घर के जो महाराज थे वो आके खाना दे, वो आके मुझे दे। तो जो उनकी जो दादी अम्मा थी वो जैसे आई, वो आई तो जैसे मुझे क्रॉस करके जाने लगी, बोला माता जी दीजिए ना मुझे, बोलती है दुष्ट बोलते इतना गुस्सा अच्छा नहीं है अरे कृष्ण भगवान को बांधने की बात कर रहा है अरे पांच गांव ही तो बांधे थे, दे देता पांच गांव। तो ये था, ये था। पर एक्चुअली लोग सच मानने लगते थे। अब मेरे को उन दिनों में क्या होता था, कपिल जी के बहुत से फैन मेल आते थे जी। आजकल यू नो जैसे एसएमएस है या इंटरनेट है या उस मीडिया नहीं था, तो हमारे फैंस आते थे ढेर सारे, रोज डाकिया हम लोगों के फैन में लेके। एक फैन ने तो कमाल कर दी, उसने लिखा हुआ पोस्ट कार्ड आया था, अबे शकुनी मामा अबे तू अपने आप को क्या समझता है, तू बड़ा दुष्ट है, तुमने अपने भतीजे को हमेशा उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया, पांडवों के साथ हमेशा अन्याय किया, तुमने कृष्ण भगवान की कभी नहीं मानी, यहाँ तक कि तुमने द्रौपदी चीरहरण करवा दिया, युद्ध करवाया, और अब तूने युद्ध करवा दिया, अबे शकुनी अगले हफ्ते अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो हम तेरी दूसरी टांग तोड़ देंगे इतने जज्बाती हो जाते हैं। मेरा 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 एक जुए का एपिसोड जब खत्म होता है जी, मैं सब कुछ हार गया, तो मैं अपने बेटे को दोपहर को एपिसोड के बाद में ट्यूशन से लेने गया जू से, तो जू से वापस आ रहा था, सात बंगला के क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी थी, अचानक एक गाड़ी भरी हुई आई बाजू में, और मुझे देखी और बोलते ओ युधिष्ठर जुए में सब कुछ हार गया, गाड़ी क्या द्रौपदी की लेके घूम रहा है। They used to get so involved. You know, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। मैं महाभारत की शूटिंग चल रही है, सडनली मैं रस्ते पे जा रहा हूँ कहीं पे, एक पुलिस वाली पुलिस की गाड़ी आती है और मुझे ऐसे करती है, पता नहीं कि मैंने शायद सिग्नल तोड़ा क्या किया, डिड आई जंप अ सिग्नल, नथिंग, पता सर आपके नाम का वारंट निकला है, आप पुलिस स्टेशन आइए, इट्स अ नॉन अवेलेबल वारंट। यार ये क्या हो गया, हम गए पुलिस स्टेशन, तो पुनीत सर, गुफी पेंटल, पंकज धीर जो करण बने थे, और चोपड़ा साहब, राही मासूम साहब के ऊपर बनारस से किसी ने केस कर दिया कि आपने जो वस्त्र हरण किया द्रौपदी का उससे हमारे सम्मान को और हमारे दिल को ठेस पहुंची है, तो यू शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। हम पे एक्चुअली किसी ने केस किया, आयोग तक चला गया, अच्छा केस कर दिया, और वहां पे जज ने वारंट भी इशू कर दिया एंड इट्स अ नॉन अवेलेबल वारंट। फिर हम गए यार, मेरा मेरा कर पकड़ना है तो देखिए वेद व्यास को पकड़ो जिसने लिखी है you know, अच्छा खैर उसके बाद तो चोपड़ा साहब ने खैर अपने वकील वकील किया और जाकर उन्होंने शायद बात रफा दफा कर दी। यू वोंट बिलीव अर्चना, अबाउट टू थ्री इयर्स बैक, दो तीन साल पहले हम भूल भाल गए सर, 30 साल के बाद ऑलमोस्ट फिर सडनली देखा तो मेरे घर पे फिर वारंट आ गया। रियली वो केस अब खुला 28 साल बाद। ओ माय गॉड। अच्छा ना चोपड़ा साहब है, ना रवि जी है, ना राही साहब है, ना पंडित नरेंद्र शर्मा है, तो मेरे पे गुफी पे और पंकज सिंह पे केस। हम एक दूसरे को फोन करें क्या कर रहे हैं भाई, यू वोंट बिलीव, वी हैड टू हायर अ लॉयर कि भैया जाओ हमको रिप्रेजेंट करो। बनारस गए, पकड़ के गए, मैं तो बोला भैया मुझे जेल में डाल दो यार, इसी बार और पब्लिसिटी मिल जाएगी मैं तो पैसे नहीं देता सर। बनारस गए, उस बंदे ने क्या पता कि आपसे फोटो खिंचानी थी हमको बस। कैन यू इमेजिन, रियली। पर लोग हाँ अक्सर ऐसी हरकतें कर लेते। एक और बड़ा किस्सा कमाल का है, वी वर कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, फ्लाइट पकड़ने के पहले हम लोग खड़े थे तो सारे जाने अटैक कर रहे थे जितने महारथी थे। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि क्या था जी, कि जितने हमारे जो कलाकार थे सब भारी आवाज वाले थे, मतलब सुरेंद्र पाल, मुकेश खन्ना, फिर वो दूसरा जो शांतनु बना था, फिर वीरेंद्र राजदान, ये सब आवाज की दुनिया के दोस्तों वाले थे। तो मेरा क्या था कि आई हैड अ हस्की वॉइस, तो दे शुड कंसीडर मी एज ए यार इसकी तो आवाज अच्छी नहीं है, हमारी किसी और वाली आवाज है। अच्छा अब हुआ क्या कि हम दिल्ली शो से आ रहे हैं वापस, तो एयरपोर्ट पे सब बैठे हुए, सडनली वी सी टू थ्री ब्यूटीफुल फीमेल लेडीज आ रही, सडनली औरतें चल के सीधा मेरे पास आती है, मिस्टर सर वी लाइक टू टेल यू समथिंग, व्हाट अ सेक्सी वॉइस यू हैव। मैं
ये आपका जो हस्क है आपकी आवाज में, हम उसके कायल हैं। फैंटास्टिक। मैंने फिर इनकी सब की तरफ देखा किसका शूटिंग पे। अच्छा, तो जैसे ही दुर्योधन के 99 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुके, तो उसके बाद हम पांचों पांडव गांधारी के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने की भाई एक ही पुत्र के 99 पुत्र उसके भाई 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 भाई, 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 भाई। गलती होती है यार। तो गांधारी से आशीर्वाद लेने जाते हैं कि एक ही आपका पुत्र बचा है, तो अगर आप उसे समझा सके तो छोटा सा टेंट था फिल्म सिटी के अंदर 2 नंबर पे, और उसमें जगह कम थी और ट्रॉली लगी हुई थी, तो हम लोग बार बार जाते थे, और सबसे पहले मैं बड़े वाला, तो बड़े वाला जाके जैसे आशीर्वाद देता प्रणाम माता श्री, वो कहती थी आयुष्मान भाव। उसके बाद आता था प्रवीण कुमार जी, वो लंबे चौड़े 6 फुट 7.5 इंच, वो बैठते थे प्रणाम माता श्री आयुष्मान, वन मोर, क्योंकि वो कट हो जाता था क्योंकि वो फ्रेम में आते नहीं थे। 23 रिटेक हो गए, 23 रिटेक, और 24वीं बार आया रवि चोपड़ा जी को बोलता है, रवि जी ए जदों भी आओ कहती आयुष्मान पाओ आयुष्मान पाओ, ए आशीर्वाद बट रही है गुलूकंद बट रही है। वाकई यार, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करो और सब अलग अलग प्रदेश से अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग, पर वाकई बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को। खाने का एक बहुत अच्छा किस्सा है, जी। पुनीत जी जो है, जैसे ब्रेक होता था तो सबसे पहले खाने की टेबल की तरफ भागते थे और सब लोग वेट करते थे, गड़ 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 करके इनकी प्लेट पूरी भर गई, बाकियों के लिए कम बचता था। तो एक दिन शॉर्ट हो रहा था इनका और पंकज का, तो उनको लगा कि यार, और विदुर आया हुआ था, विदुर का लंच के बाद था, तो विदुर जो है वो खाने की टेबल के पास खड़ा हो गया कि यार इससे पहले ये आएगा पुनीत मैं खाना डाल लूंगा। तो उसने जब तक ये पहुंचा वहां हटो, उसने भर के खूब सारा जो चिकन मटन था वो खूब भर लिया। तो ये आया तो इसको मिला नहीं, तो इसने पंकज को बोला, पंकज विदुर, तो विदुर था कश्मीरी, उन दिनों कश्मीर में डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो पंकज ने क्या किया, विदुर को बाजू में बैठाया और कश्मीर का क्या हाल है, उसने कहा यार ऐसा है बड़ी प्रॉब्लम। अब उसने टेबल, वो जो प्लेट थी ना वो ऐसे रख ली, अब इसने क्या किया, एक बोटी उठाता था और एक बैंगन रख देता था, अब वो इतना इमोशनल हो गया विदुर, रोने को हो गया कश्मीर का बात सुन के। तो थोड़ी देर बाद पंकज ने बोला यार तू इतना इमोशनल हो, खाना तो खा ले, वो खाना देखा तो सारे बैंगन मटन की जगह सारे बैंगन निकले। ये डेली की कहानी होती थी कुछ ना। सोचो इतने बड़े बड़े योद्धा, बच्चों वाले काम हो रहे हैं। अच्छा सर, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि जैसे बहुत बड़े बड़े सीन जब शूट करते थे, युद्ध का सीक्वेंस शूट होता था, तो इंसानों को तो लाउडस्पीकर पे बोल सकते हो आप कि आगे बढ़ो, युद्ध करो, वापिस आओ, रुक जाओ, तो जो हाथी घोड़े होते थे उनको कैसे कंट्रोल करते थे आप? वो घोड़े जो थे वो पप्पू वर्मा जी के थे। अच्छा। वो उनको पता होता है पैकअप कब होना है और शुरू कब होना है और एक्शन कब होना है। अच्छा। आपको 6 बजे के बाद वो घोड़ा ऐसे करने लगता था कि मेरे को शूटिंग नहीं करनी है। वो घोड़ों का तो ऐसा होता था कि रो में लगे होते थे और बड़े सुस्त एकदम स्टार्ट कर रहा हूं एक्शन। वाह, फिल्मी घोड़े। हाँ हाँ, फिल्मी। नितिश सर, आपने तो रथ भी चलाया था, सारथी बने थे आप। बिल्कुल। तो आपको चलाना आता था उससे पहले, आपने कभी चलाया था घोड़ा? देखिए मैं हूँ वेटरनरी सर्जन, इसीलिए तो लिया था कृष्ण जी के रोल में कि घोड़े संभाल सके ये। तो मैं हूँ वेटरनरी सर्जन, मैं बॉम्बे और पूना के रेसकोर्स में काम करता था। अच्छा जी। एज एन असिस्टेंट वेटरनेरियन। वाओ। तो हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, उसकी आदतें होती हैं जी। तो रथ चलाना इसीलिए आसान था क्योंकि घोड़े बड़े प्रेडिक्टेबल प्राणी होते हैं। अच्छा जी। हाँ, वो स्वभाव मनुष्य की तरह बदलते नहीं है। अच्छा, वाह, अच्छी बात बोली है। बदलते नहीं है। वैसे एक किस्सा पुनीत जी का बहुत अच्छा, अगर वो अपने मुंह से सुना दे तो। अच्छा, क्या पुनीत जी? क्या था कि यू नो दोस डेज वी वर जस्ट स्टार्टेड एंड सडनली लोग हमको पहचानने लग गए थे, हमें शोज मिलना शुरू हो गया था जी। तो हम जयपुर में शूटिंग कर रहे थे, तो दिल्ली से एक बंदा आया, आपको मैं स्पेशली लेके जाना चाहता हूँ, और वो आपको अच्छे पैसे भी दे रहा था हमको। अच्छा जी। तब हम रवि जी को कैसे बहुत ही हम चाहते थे, हम पटा लेते थे उनको कि रवि जी हमको जाना है। अच्छा, कुछ कलाकार थे जिनको बेचारों को शोज नहीं मिलते थे, तो वो जाके रवि जी को, रवि जी क्यों छोड़ते आप इनको, मत छोड़ा करो सर, इसे डिसिप्लिन खराब होता है। अब हुआ क्या कि वो बंदा आया,
मैं कहा हाँ भाई क्या कितने पैसे दोगे शो के, उसने जितने हमने मांगे उससे कुछ 4-5 गुना ज्यादा उसने एग्री कर लिया। अच्छा तो मैं बोला कौन कौन चाहिए, बोलता आपके 5-6 कलाकार आप कर दो। तो मैं, मुकेश खन्ना, रूपा गांगुली, अर्जुन, शकुनी, गजेंद्र चौहान और पंकज धीर, तो 8-10 आदमी को मैंने इनके बिहाफ पे सबके पैसों की बात कर ली। अच्छा उसने जी हमको कुछ बड़ा साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। अच्छा और उसके बाद देखो जी सैटरडे को शो है और सैटरडे को शूटिंग है फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, 5 घंटे का सफर है। सर आपको यहाँ से 2 बजे निकलना पड़ेगा या आपको 1 बजे निकलना पड़ेगा? डोंट वरी रवि जी को मैं पटा लूंगा, रवि जी तो मेरे खास खास है। अब ये बात हो गई, दैट न्यूज वेंट टू रवि जी। अच्छा के ये कुछ 8-10 कलाकार जो हैं ये शो पे जाने के लिए और उन्होंने पैसे ले लिए। तो रवि जी वॉज ही गॉट वेरी एंग्री, तो रवि इनको आने दो, लेट दिस दुर्योधन कम टू मी टू टेक परमिशन, आई ऑलरेडी सेट हिम राइट। अब हम सुबह सुबह सब 9 बजे सर 8 बजे विथ मेकअप रेडी, सारे डायलॉग रेडी कि हमको इसके परफॉर्म करने के, हमको जल्दी छोड़ो। तो अब ये गया, फिर पंकज जी गया के बॉसी आज हमको प्लीज छोड़ दो, शट अप, कोई आना नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझते का तुम, मेरा डेकोरम खराब हो रहा है, डिसिप्लिन खराब हो रहा है यहाँ पे। अब ये हो गया, अब क्या हुआ जी, करते करते 11:30, 12, 12:30 बज गए, अब हमको टेंशन के पैसे जो वापस करने पड़ जाएंगे। अब वो टेंशन हो गई, तो पंकज जी आया मेरे पास, आई हैव टू टेल यू दिस, यू नो रवि जी अ ग्रेट मैन इज, तो रवि मैं पंकज जी आता मेरे पास, पुनीटोस पुनीटोस यार बड़ी यार रवि जी ना ही इज लॉस्ट इट मैन। मतलब क्या हुआ? अरे यार एग्री नहीं कर रहे यार, मतलब बट तेरे को किसने बोला रवि जी के पास जाने के लिए? अरे मैं जाता तरीके से पटा लेता। नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, रवि सर वाज टेकिंग अ शॉट, करते करते वो ऐसे आ रहे हैं, नो माय बैक, और रवि जी चलते चलते पीछे आ गए, सो ही कुड लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ से पंकज जी का वो बोल नहीं रहे, मतलब क्या हो गया तेरे को, मतलब अगर मैं होता मैं रवि जी का एसिस्टेंट नहीं रखता अपने अपना। मेरी हिम्मत देखो, अब गुस्से में आदमी बेसिकली लालच है दिल्ली जाना है, तो पंकज जी अबे पुपो क्या कर रहा है उतने इडियट, रवि सर की आवाज इडियट, आई एम लाइक दिस, मैं टर्न किया रवि जी, क्या बोला तूने? सर मैं तो सीधा जमीन, मारो सर मुझे, सर मुझे मारो, मैं जमीन बैठ गया जी। मैं बोला सर मैं अज्ञानी, मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं पाजी हूँ, आई टुक ऑफ माय शू, सर ये जूता लीजिए, सर मेरे सर पे मारिए सर। रवि जी स्टार्टेड लाफिंग, रवि जी हंस दिए, ओ बोला रवि जी प्लीज छोड़ दो, बहुत पैसे मिल रहे हमने देखे नहीं है, प्लीज जाओ। और रवि जी ने छोड़ दिया सबको, और सबको छोड़ा सर, क्या बात है। बट रवि ना वो जो सॉफ्टी है ना, अंदर से बहुत सुपर पर्सन, सुपर सोल। एक किस्सा मैं सुनाऊंगा। जी जी, दिल्ली में शो था इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में। अच्छा। और महाभारत के बहुत आर्टिस्ट और बहुत वीआईपी रेंज के लोग मंच पे थे वहाँ पे, तो सबको एक एक कैरेक्टर को बुलाया जा रहा था कि भाई युधिष्ठिर आएंगे, अर्जुन आएंगे, तो मुकेश खन्ना जी को बुलाया गया, तो मुकेश खन्ना जी ने जाके भीष्म प्रतिज्ञा बोली। अच्छा। जो वो बोलते हैं हमेशा, तो भीम जी मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने भीम जी को बोला, मैंने कहा पाजी मुकेश खन्ना ने आज भीष्म प्रतिज्ञा बोली है, दो ही प्रतिज्ञा है, एक भीम प्रतिज्ञा है, एक भीष्म प्रतिज्ञा है, उसी भीम प्रतिज्ञा बोलो। कहते ऐ ठीक है, आज मैं मुकेश खन्ना नु दसूं एक्टिंग की होंदी है। अब उनकी बारी आई, अब पांडु पुत्र भीम आपके सामने आएंगे, और वो उठे वहां से मेरे बाजू से और चलते 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 मंच पे आ गए। वो मंच पे वीआईपी बैठे हैं और माइक लगा हुआ था, स्टैंड वाला माइक होता ना। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं पांडु पुत्र भीम प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक रणभूमि में दुशासन की छाती का लव नहीं पी लूंगा। अब उनको हाथ उठाने, उन्होंने माइक लिया, अपने पूर्वजों को और माइक किसे गया यार, जो माइक में नहीं बोलना था वो बाहर बोल दिया, जो गया। जो पब्लिक ने शोर मचाया, बाप रे, वन ऑफ द फैंटास्टिक मोमेंट्स इन दैट इनोसेंस और वो ऑनेस्टी एक्चुअली। यस, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर जो थी वो प्रवीण कुमार जी की। ओह अमेजिंग, टिपिकल पंजाबी, वो और विधुर अगर दोनों बैठ के बात करें, एक एनएसपी ग्रेजुएट और एक हमारे प्रवीण जी, वो उसको कह रहे हैं, कहते
ਵਿਦੁਰ ਤੂੰ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ ਸੁਪਰ ਵੀ ਵਾ ਸੁਪਰ ਵੀ ਵਾ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹਿਮ ਹੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰ। ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਵੀ ਗਿਫਟ ਮੇ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਨਏ ਨਏ ਜਬ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਆ ਤੋ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਆਨੇ ਲਗੇ। ਹਾਂ एक एक लड़के को हमको बुला बुला के मैन्युफैक्चरर्स टीवी सेट्स देने लगे हमारे मनपसंद का। वाह। तो एक एक के घर में पांच पांच हो गए थे। लेकिन जिनको नहीं मिलते थे वो बेचारे टकराते थे सिर अपने विदुर को। विदुर बेचारा हम लोग प्लेन में वापस आ रहे हैं वो बूथ होता है ना लगेज बूथ उसके ऊपर टकरे हमारे वो बोलते मैं तो एनएसडी ट्रेंड है। प्रवीण जी का एक छोटा सा किस्सा लास्ट। हाँ सर प्लीज जितने मर्जी मैं और अर्जुन वो खार में रहते थे ये रहता है बांद्रा मैं अंधेरी में रहता हूँ। तो हमने कहा पाजी साथ ही चलेंगे अब उसके घर पे बैठे हुए वो वेट कर रहा है। तो मैं कहा पाजी चलिए। कहता नहीं यार वो गणेश नहा रहा है उनका बॉय। अच्छा मतलब मालिक तैयार होके बैठा है और बॉय नहा रहा है। ओए गणेश ओ गणेश ओ गणेश निकल यार देर हो रही है गणेश निकल यार। वो अपने आराम से नहा लो के तैयार होके निकला। ओ मैं तेनू कदों दी आवाज दे रहा गणेश गणेश तू सुनदा नहीं है। कहंदा पाजी वो टैप चल रही थी नल छल खुला हुआ था आवाज नहीं आई। अगली बार नहाने जाएगा तो कान बाहर छोड़ के जा। अर्जुन सर महाभारत के टाइम अज्ञातवास के समय जब अर्जुन ब्रह्मला के रूप में रहते हैं तो उस समय आपने क्लासिकल डांस सिखाया था राजकुमारी को। तो सर वो किरदार करते हुए वो आप नॉर्मल हो गए थे उसके बाद? क्योंकि वो मैं अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ब्रह्मला प्ले किया था तो मैंने उसमें माई ब्रह्मला का रोल किया था। तो 6 महीने हमारे कॉलेज में रिहर्सल करवाते रहे तो मैं घाघरा पहन के घूमता था। वो जब प्ले खत्म हो गया हमारा फर्स्ट भी आ गया उसके बाद मेरी चाल वैसी हो गई। इनकी अभी भी वैसी है। इनकी अभी भी वैसी है। देखिए पहली बात तो महाभारत का जब ये सीक्वेंस शुरू हुआ होने वाला था ब्रह्मला का मुझे नहीं मालूम था। रवि जी एक दिन बोले कि तेरा चल तू तैयार हो जा तेरा ब्रह्मला का सीक्वेंस आ रहा है। मैंने कहा व्हाट इज ब्रह्मला? बोला है तेरे को मालूम है? मैंने नो आई डोंट नो। बोला वो तेरे को ना वो बनना है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई 6 फुट 2 इंच का आदमी ये क्या करूंगा? और तेरे को डांस भी करना है? मैं कहा पाजी मैं तो डांस नहीं करूंगा। डांस आता नहीं है मैं गा लूंगा लेकिन डांस नहीं करूंगा। तो बोले तू हिस्ट्री चेंज करेगा का के? तो मैंने कहा कि तो उतने में देखा कि गोपी कृष्ण जी आ रहे थे। तो वो जब आए तो उनको मैं देख रहा था ऑब्जर्व कर रहा था एंड ही केम एंड ही वाज वेरी नाइस एंड ही सेड कि सुना है तू ब्रह्मला करने वाला है तू एक काम कर कल से तू मेरे यहाँ आ जा नाटेश्वर मंदिर उनका घर था। अच्छा मैंने कहा ठीक है। तो साहब हम गए वहाँ और गोपी जी ने जिस तरह से वो चीजें इंड्यूस की और मैं उनको बड़ा ऑब्जर्व करने लगा था। तो मैंने कहा छठा या सातवां दिन था तो उन्होंने मुझे सारे तोड़े और मुद्राएं वो सब सिखा दिए और फिर वो एक नेचुरल चीज जरा थोड़ी सी आ गई थी उसमें। तो मैंने बोला ये कैरेक्टर है जिनको मैं कॉपी करूंगा। तो मैं रवि जी को शाम को फोन किया मैंने रवि जी आई वांट टू कम एंड टॉक टू यू। तो रवि जी को मैं रवि जी आई गॉट ब्रह्मला। बोले क्या करेगा तू? मैंने कहा आई विल कॉपी गोपी जी। बोला यार दिस इज व्हाट आई वांटेड तू कर। वाह। और ये जब करने के बाद जब पहला दिन का शॉट था तो ये सारे लोग वहीं थे। But Arjun played so well, Brunella. Yes, played so well, really. Wow. Very good. Thank you. No match. ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का निर्माण जो है वो हमारे देश के महान फिल्म निर्माता श्री बी आर चोपड़ा जी ने किया था। सो आज उनकी पुत्र वधु और महाभारत के डायरेक्टर मिस्टर रवि चोपड़ा जी की पत्नी रेनू चोपड़ा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं और अब वक्त है उन्हें यहाँ पे मंच पे इन्वाइट करने का। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसिज रेनू चोपड़ा जी का। रेनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी महान फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वाह क्या बात है। वाओ वाओ थैंक यू। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सब आप हमारे शो पे मौजूद है। 4 चांद लग गए आज से पहले इतना खर्चा भी चैनल ने कभी नहीं किया। ये झूमर उमर आज आप ही के स्वागत में लगाए गए। प्लीज रेनू जी विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। रेनू जी सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली ने
हमारे देश को, हमारे ऑडियंस को जो है इतना बेशकीमती उपहार दिया महाभारत के रूम में, उसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा हमने जो कमाया महाभारत से है वो है ये परिवार। और हम लोगों के 2 साल ऐसे थे कि जैसे एक घर था, एक खाना एक पीना, खाना बहुत जरूरी था। एंड जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग मैरिड इनटू दिस फिल्म फैमिली। जी। पता चला कि फिल्म मेकिंग तो उनकी हॉबी है, खाना तो प्रोफेशन है। अच्छा ये बातें पता नहीं, बीच में अभी प्रेम सागर जी आए थे, रामानंद सागर साहब के सुपुत्र, तो बी आर चोपड़ा साहब और वो भाई थे, तो उस समय मेरे को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली, बोलते यार कभी घर आना पराठे वराठे खाएंगे। मतलब उन्होंने कोई दूसरी बात ऐसी बोली नहीं कि ये कुछ करेंगे यार, पर हाँ खाना पीना तो फिर क्या करें। अभी रवि साहब जब खाने को ऑफर करते थे और आप नहीं खाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, हमारा किचन साथ में चलता था, कुक्स होते शेफ्स होते, और वो बकायदा जो रवि साहब ने बोला, अच्छा लड़को आज क्या मुगलाई खाना है, आज चाइनीज खाना है, आज इटालियन, एवरीथिंग वाज ऑन द सेट, ऑल मेड ऑन सेट। मैम घर पे भी तो सुना वर्कशॉप्स लगती थी। ओ बिल्कुल, जो संडे के संडे वर्कशॉप होती थी, ये सारे आते थे, फिर खाना होता था, खाने के टाइम पे पुनीत से सब डर जाते थे, वो सीधा किचन में पहुंच जाता था, 40 रोटियां बेल बेल के मेरा कुक थक जाता था, कहते जी उनको मत अंदर लीजिए। और भाभी वो दैट डिनर यूज्ड टू बी विद फैमिलीज। यस यस ऑलवेज। एंड एक्चुअली वंस आई रिमेम्बर मैं आई फिल्म सिटी, तो शूटिंग फिल्म सिटी में ही अक्सर ज्यादा होती थी, तो जब मैं आई मुझे पता नहीं था कौन से स्टेज पे है, तो ड्राइवर ने पूछा कि मैडम कौन से स्टेज पे ले चलूं, आई सेड जहां तंदूर लगा है बाहर वही हमारा स्टेज है। तो मैम आप महाभारत जब शूट हो रहा था तो आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालती थी उसमें, कैसे जुड़ी हुई थी? खाने के अलावा रवि चोपड़ा नहीं, और बहुत जरूरी था, मींस स्क्रिप्ट पे ये लोग बहुत ध्यान देते थे। ओके। एंड मुझे लगता है कि महाभारत का सबसे बड़ा हीरो उसका स्क्रिप्ट है। महाभारत बन नहीं सकती थी बिकॉज वो, मुझे लगता है आज कोई बनाना चाहे तो जैसे इन्होंने बोला देयर वाज अ डिवाइन हैंड बिकॉज वो बन गई। इतने बड़े बड़े महायोद्धा जैसे चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा, नरेंद्र शर्मा, ऐसे राइटर्स हमें नहीं मिल सकते। एंड आई थिंक वी ओ इट ऑल टू देम एंड एवरीबडी इन द टीम, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द टॉप मोस्ट मैन, वर्क टूगेदर लाइक वन बिग फैमिली। मैम आजकल तो ग्राफिक्स बड़े आ गए हैं, मतलब VFX आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस समय जब इतनी बड़ी सेना दिखानी तो वो कैसे, आजकल तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस समय कैसे दिखाते थे? मेरे दिमाग में आता था अभी जब मुझे समझ आया, मुझे लगता हो सकता है जो कौरव मर गए हो कपड़े चेंज करके पांडवों की सेना में, ऐसे तो नहीं करते थे कि जो कौरव चले गए वो पांडवों की सेना में आ जाओ? आपने जो कहा है बिल्कुल सही, हम लोग जयपुर पहुंचे, शूटिंग करनी थी जयपुर वॉर सीन्स, बिकॉज वहां पर टेलीग्राफिक पोल्स नहीं होते थे, तो अब ये सोचा कि इतना क्राउड, हमें उस टाइम पे मिलते थे 6 लाख रुपए पर एपिसोड फ्रॉम गॉडरेज, एंड तब भी हमारा नुकसान होता था, 7.5 लाख में बनता था एपिसोड। तो आई रिमेम्बर रवि घर आते थे, पापा से कहते थे कि मैं कितनी भी कोशिश करूं 6 लाख में नहीं बन सकता। इसे तुम एक बात याद रखना, तुम दिल से बनाओ, ये तुम्हारा ATM होगा, एनी टाइम मनी विल बी क्या बात है। एंड हम जयपुर जब पहुंचे तो कोई शूट कोई प्रॉब्लम नहीं था, देयर वर नो एक्स्ट्रास टू बी पेड, वो जितने गाँव वाले थे वो सब सैनिकों के कपड़े पहन के आ जाते थे रोज वॉर सीन्स करने, एंड रोज शूटिंग हो जाती थी। एक दिन वो चक्रव्यूह का सीन था जयपुर में जी, तो सुबह सुबह वो जो जूनियर आर्टिस्ट थे गांव से आते थे वो आए ही नहीं, सब आर्टिस्ट तैयार होके बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे देखा कुछ आने शुरू हुए, तो रवि जी ने बहुत गुस्से में थे बोले मेरा सारा प्लानिंग खराब कर दिया। उनका जो एजेंट था उसको बोला कहाँ से आ रहे हो, बोले सर जी महाभारत देख रहे थे, आज संडे है महाभारत देख के आ रहे हैं। क्या बात है। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कैमरामैन थे वाहब, वाहब वाज अ यंग मैन, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, तो उसकी बहन की शादी थी, कहते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, बारात नहीं आई, 10 बजे आना था बारात ने और हम वेट कर रहे हैं, कोई नहीं आई, ये लोग पहुंचे 2 बजे, तो इस वाले मौलवी ने उनसे पूछा भाई मियां इतनी लेट, बारात तो आपकी 10 बजे आनी थी, कहते क्या करें हम महाभारत देख रहे थे। ये प्यार था एक्चुअली महाभारत के लिए। आप अगर देख रहे थे हमें भी बता दिया होता हम भी देख लेते। वाह वाह क्या बात है। इसी बात पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने महाभारत बनाई तो हम लोग उसका स्क्रिप्ट लेके गए दूरदर्शन,
तो गिल साहब थे वहां, तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी तो सब ठीक है, पर आप कह रहे हैं आपके राइटर हैं डॉक्टर राही मासूम रजा, वो महाभारत कैसे लिखेंगे? सो डैड टोल्ड हिम कि महाभारत ना हिंदू है ना मुसलमान है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। ये जो डिस्प्यूट होती है फैमिली में, हर घर में महाभारत होनी चाहिए, रखनी चाहिए किताब, टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं करना चाहिए। रामायण आपको बताता है क्या क्या करना चाहिए। एंड ही सेड अगर राही साहब नहीं होंगे तो आई विल वॉक आउट, आई विल नॉट मेक महाभारत, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ समय वॉज राही साहब। एंड अगर समय नहीं होता तो कोई ये कहानी बांध नहीं सकता। क्या बात है। आज भी मेरे पास बड़े चोपड़ा साहब के दो पत्र हैं जो उन्होंने मुझे लिखकर लंदन भेजे थे। अच्छा। जब महाभारत का रीटेलीकास्ट हुआ मेट्रो चैनल के ऊपर जी, तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं लंदन में रहता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे पत्र आया, बीआर फिल्म से पत्र आया, तो मैंने खोल के देखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब पहली बार महाभारत बन रही थी तो मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया, क्योंकि देखने का पूरी तरह से समय ही नहीं मिला। Okay. आज रीटेलीकास्ट में देख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये जो डायलॉग्स हैं राही साहब के आज भी कानों में गूंजते हैं। मैं और भाभी कई बार ये बात कर चुके हैं कि पूरा 10-15 दिन बैठ के केवल एपिसोड्स को देखने की इच्छा मन में होती है, एक साथ, वो एक साथ देखने का समय ही नहीं मिल रहा है। पर आप देखिए कि लोगों के दिलों में कितना छाया हुआ है महाभारत। आज भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो लोगों ने गवर्नमेंट को लिखना शुरू कर दिया कि रामायण और महाभारत जो है वो दोबारा शुरू किए जाएं। उन्होंने किए भी और वापस से उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई उसकी। क्या बात है यार, बिल्कुल। पहले जो है महाभारत की वजह से लॉकडाउन होता था, अभी लॉकडाउन की वजह से महाभारत। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं सर, आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ यादें ताजा की जाए थोड़ी। अर्जुन सर वैसे लड़की भी होते तो बड़ी हॉट होते आप। तो मैं आपको नहीं छोड़ता फिर। नेक्स्ट। वाह वाह, मजा आ जाता था ऐसे जम्बूरी मैदान। इसके मास्टर शॉट लिए थे हमने जयपुर में। जयपुर में अभिमन्यु, ही इज इन लंदन नाउ, ही इज इन लंदन। क्या खूबसूरत कॉस्ट्यूम थे, वाह मजा आ जाता देख के। फैंटास्टिक। ये फर्स्ट टाइम ऐसे डिजाइन किए गए थे कॉस्ट्यूम्स, बड़े ध्यान से। दिस इज रमा विज। रमा विज जी, हां, रमा विज जो नुक्कड़ में माजी टीचर बनी थी ना, आप नुक्कड़ पे भी जाया करते थे भैया। हमारे लिए 16108 नुक्कड़ अलाउड है। और भी हैं कुछ पिक्चर। ओ ये अर्चना जी, अर्चना जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ? ये क्या हो रहा है? ये आपने 16108 वाली बात सीरियसली तो नहीं ले ली? पीछे कौन है? ये पीछे कौन है? मैं वही तो देख रहा हूँ, ये कहाँ की पिक्चर है? दिस इज मी, न्यूजीलैंड में। दिस इज न्यूजीलैंड की फोटो अपनी। ओके, दिस इज जून 1991। हम न्यूजीलैंड गए थे एक शो के लिए। बिल्कुल, 20-25 साल हो गए। ये आप ही, आपकी छोटी बहन है। मैं ना आप सबके आने से पहले भी कह रहा था, मैंने कहा अर्चना जी आज महाभारत की स्टार कास्ट आ रही है, तो मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखना कि दुर्योधन जी आए, आपको मना कर दिया था दुर्योधन के रोल के लिए। तो आपको मिल गया तो, पर कितना वो आपकी मोहब्बत प्यारी प्यार पुरानी दोस्तियां, पर बड़ा मजा आया यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वी वुड हैव प्रेफर्ड अस। यहाँ पर आए हुए समस्त गुणवान लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले कर दिया था, पैसे लेने भूल गई थी शायद। कपूर शर्मा, हम यहाँ पैसे नहीं लेकिन इन वीर योद्धाओं में से अपना वर चुनने आए। वाह, वर चुनने आए हैं। और कागज और लिफाफे चुनने बंद कर दिया आपने? ये हार बेचो 10 रुपए का, शाम का मदिरा पान का इंतजाम करे चले। तुझे पता है तेरे से बड़े महाभारत में कुंडल पहनते थे ये। वर चुनने आ गई है। जो भी हो कपूर शर्मा, देखो आज तो हम यहाँ शादी करने आए हैं, सो करके जाएंगे। अच्छा। वैसे सर मैं आपको बताऊँ, महाभारत से ना हमने बहुत कुछ सीखा है। और आपकी तो बड़ी फैन है सर, अब मटर पनीर भी खाती ना तो उसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के कहती ये रहा अच्छे। <laughs>
और उसके बाद इसके पिताजी आते हैं चपाती लेके एक पीस उठा लेते, कहते हैं अब हो गया पांच। कपूर शर्मा, भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको 11 रुपए शॉल देके सम्मानित कर रहे हैं हम? चली जाए इससे पहले अर्जुन जी तेरी आंख में तीर मार दें। आप दिखने में भी कॉम्फर्ट लग रही है। Oh my God. तीर तो वो तब चलाएंगे ना जब तुम अपने शब्दों का बाण चलाना बंद करोगे। क्या बात है। वैसे सर, हम भी ना एक वीर योद्धाओं के घराने से हैं। हमारे दादाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पूरी बात बताना, आधी बात मत बताया कर। भैया बता कैसे शहीद हुए थे? औरंगजेब की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। आपको कैसे पता? ये पूछ कि उनको कैसे पता लगा औरंगजेब की जेब कट रही है? औरंगजेब की पिछली जेब में हाथ डाला, जेब थी फटी। और दादाजी के हाथ थे ठंडे। महीना था दिसंबर का। औरंगजेब ने इसी गुस्से में इसके दादा ठंडे कर दिए। वैसे वर्ड चुनने से पहले मैं आप सबका एक छोटा सा एक परीक्षा लेना चाहूंगी। परीक्षा छोड़, तू रिक्शा कर। और चलो, तुझे उनका कोई मन है कोई नंबर का? जबरदस्ती मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। जा यार। मेरे लिए कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है? मुझे अपनाने के लिए कोई? हम है। वाह, हम हैं। यहाँ पर आए हुए वीर योद्धाओं को और रेणु जी को इस वीर योद्धा का छत छत प्रणाम। वाह, आपके आगमन से हमारे शो को चार चांद लग गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते हमारे शो में ना आशुतोष राणा जी आए थे, इसने जाके उनके ड्राइवर को यहाँ काट लिया, इसलिए इसकी हिंदी अच्छी निकल रही है आज। अगर किसी को काटने से भाषा अच्छी हो सकती है तो आप अपने इंग्लिश अच्छी करने के लिए शशि थरूर के ड्राइवर को क्यों नहीं काट सकते? हम आपको यह बता दें कि हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं। हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंडपत्रु हैं। महाराज, और ऐसे कपड़े? आप राजा कम किसी लूटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। खैर, तुम जैसी भी हो हमें पसंद है। ये बताओ तुम्हें पाने के लिए हम कौन सी परीक्षा दें? तुम परीक्षा छोड़ो, रिक्शे में बैठो और भिक्षा मांगो। ये बात तो कपू शर्मा पहले बोल चुका है। हाँ तो कपू की बोली हुई बात अच्छी तो होती है, ऐसे थोड़ी ना सोनी इतने पैसे देता है उसको। उसकी बातें बोल बोल कर उसके पैसे ना कम करवा देना। किसी के पैसे पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। कौन सा साम्राज्य? पुनीत सर जी, ये महाराज फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। तो सोचो फिर, जिसको सरकार ने सर ढकने के लिए फ्लाईओवर बना कर दिया है वो कितना बड़ा आदमी होगा। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे ही चर्चे हैं। हम तुम्हारे चर्चे बाद में सुनेंगे, पहले तो मुझे तेरी ना कॉस्ट्यूम नहीं समझ आई। महाराज, ऊपर तूने रोटियां गर्म करने वाला चिक्कू रखा है, नीचे पजामा तू दादाजी का पहना है। पूरा पश्चिम की बात है, पहले ये बता पूरा पश्चिम है कहाँ? ओ भाई साहब, पूरा पूर्व में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है। वो तो पता है, हाथ से बता कि कहाँ है पूर्व कहाँ है दक्षिण, ये सब पता। छोटी छोटी बातों के लिए हम हाथ नहीं उठाते। और राजकुमारी, हम आपको यह बता दें कि अगर आप हथेली पर दिया लेकर भी ढूंढे, हम जैसा राजकुमार नहीं ढूंढ पाएंगी। दिया छोड़ो, हमने अगर तलवार उठा ली आप दुनिया में नहीं मिलोगे। बस यही, तुम्हारी बात पे बात करना हमें पटने पर मजबूर करता है। यह बताओ कि हम अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के घर गाली गलौज के लिए कब भेजें? गाली गलौज नहीं, बातचीत के लिए मिलते हैं। नहीं, लेकिन हमें हमारे माता पिता का पता है। वो तुम्हें देखते ही गाली गलौज पर उतर आएंगे। वो बोलेंगे ये दो लोगों ने मिलकर क्या पैदा किया है।
अपने आप को देखा है, हमारे राज्य में ऐसा शक्ल होना अपशगुन माना जाता है। बस बात हो गया, इस दुस्साहस का तुम्हें दंड दिया जाएगा। 250 रुपए निकालो। ऐसे ही ये सारा महीना ना घर चलाने के लिए लोगों को दंड देते हैं, 250-250 लेता ही। कपू शर्मा शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं है। अभी बीच रास्ते में हमारा रथ खराब हो गया था। अच्छा। किसी से हेल्प नहीं मांगी। हाँ। इन कंधों पे हम उठा कर लाए रथ को। पूरी बात बताना, रथ की चैन उतर गई थी। ये उसी रथ पे सुबह अखबार भी फेंकता है। आपको पता है सोनी चैनल की आधी GDP तो इसकी वजह से गिरी हुई है। ये बात है तो बस पीछे हट जाओ फिर। यहाँ पे आज चंदू भरी सभा में ये शपथ लेता है। हाँ। कि अगर सोनी की GDP 1 मंथ में मैंने नहीं उठाई। और पहले पजामा उठा अपना, GDP उठा रहा। अभी और थोड़ा नीचे गिर जाता है, सारा सेंसेक्स दिख जाता है। और तुम अपने होने वाले पति पर हंस रही हो? चलो यहाँ से। अच्छा तुम ओए कौन हो तुम, सांडों के मदाकनी? ओए तीर मैंने उल्टा करके मार रहा तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना, तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो। ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। सल्तनत? सर सुना आपने, सल्तनत की बात की है इन्होंने, इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको? फुटपाथिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना, तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये, प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है? गुफी जी आप ही हमको बताइए, जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं, व्हाट प्रॉब्लम? और खाक दुधारू राजा हैं सर ये, मैं बताता हूँ आपको, चारा ये भैंसों से ज्यादा खा जाते हैं, दूध 1 लीटर भी दिन देते ये। कितनी बड़ी बात की है आपने, अब हम जितना चारा खाते ना उसे दुगना चारा हम आपको खिलाएंगे, आप 0.5 लीटर दूध दे के दिखाइए। अरे 0.5 लीटर छोड़ो, 250 ग्राम दूध दे दो। अबे 100 ग्राम दे दे बे। अब तुम्हारे ना विलुप्त होने का समय आ गया, हमारा गधा कहाँ है, गधा कहाँ है हमारा? जीजू गधा ही तो राजकुमार बन के आया है। और मेरी बात सुनो, हम भी वीर घराने से हैं और हम लोहा लेते हैं। सिर्फ लोहा क्यों लेते हो, रद्दी भी लो, पुराने अखबार भी लो, फटे हुए जूते भी लो। कबाड़ी खानदान के राजा बनो, उसके बाद ये भूरी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहेगी। जीजू आप मुझे कबाड़ वाले को दे रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है, इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद ये तुच्छ इंसान तुम्हारी ओर देखेगा भी? ये चंदपत्रु ढाबा पुत्र तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, चलो भूरी। ओए सुनो मेरी बात ढाबा पुत्र, इस अपने तंदूर पुत्र को भी लो साथ में और दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। जीजू पर हमारी शादी, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पर तुम्हारा स्वयंवर होगा। स्वयंवर की शर्त है कि मछली की आंख, मैं तीर मारना है ना, मैं मार दूंगा, मैंने महाभारत देखी, मैं मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, मछली की आंख में जो मोतिया बिंद हुआ है ना उसे ठीक करना। अगर ठीक हो गई तो फिर मछली फ्राई होगी, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम फ्राई होगे। ये कैसे स्वयंवर है, बहुत हो चुका मेरा अपमान, नहीं करनी मुझे शादी, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं?
ए सर ये सब खाली बहाने हैं, इसको पता चला है पीछे मछली आई है इसके लिए दौड़ के गई है, बंगालन है ना मछली नहीं छोड़ती है। ए, मेरी बात सुनो, मछली तैयार रखो मैं पराठे लेकर आता हूँ। ए लीजिए ये पंजाबी पराठे खाने निकल गया, अब इतना कुछ बनी रहा है तो भाई सुनो दाल बाटी भी बना दो, मारवाड़ी भी आ रहा है, चलिए चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सब मेहमानों के लिए, आइए सर। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सबका, रेणु मैम आपका, कि आप लोग आए हमारे शो पे और इतनी पुरानी यादें ताजा की, इतने मजेदार किस्से थे, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अर्चना जी एक बात और बड़ी मजेदार है कि सब लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। सबसे पहले तो मैं गुफी साहब की बात करूं, गुफी साहब ने बड़ी अच्छी पोएट्री की बुक जो उन्होंने कहा था मेरे कान में कि मैं अर्चना जी को गिफ्ट देना चाहता हूं, अगर तुम दिलवा दो तो एक तुम्हें भी दूंगा। तो ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। मेरी लिखी हुई है कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी, वाओ। अर्चना जी मैं खुद आऊंगी लेने के लिए। सो नाइस, कम गिफ्ट लेने तो ये अमृतसर तक चली जाती है। खास तौर से गूफी की लिखी हुई, हम पुराने दोस्त हैं यार। नाइस, थैंक यू सो मच। ये गूफी पीछे है शकुनी मामा। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बात बताना चाहता हूँ, बल्कि हमारी भाभी जी यहाँ है, रेणु भाभी जी। आज ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है उसके साथ साथ आज का दिन हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि महाभारत के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था हमारे आदरणीय रवि चोपड़ा साहब का, आज उनका जन्मदिन है और उसी दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है। वाह वाह वाह, तो हम सब उनको याद करते हैं, वो जहां भी हैं जैसे भी हैं खुश रहें, बस यही हमारी दुआ है। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका। आप हमारे शो पे आए और चार चांद लगा दिए आपने, अपने किस्से मजेदार कहानियां और गाने सुना के बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं अपने दर्शकों को एक और बात उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब महाभारत की शूटिंग चल रही थी तो उस समय से रेणु मैम जी के साथ कोई शायद स्टाफ मेंबर आपके साथ आए, इंदर जी। हाँ जी, आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ जो रवि जी के सबसे पहले स्पॉट बॉय थे, एक यंग बॉय कॉल्ड इंदर, आज भी वो यहीं पे है हमारे साथ काम करता है, अब तो वो रणवीर का स्पॉट बॉय है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेट दिस होल एपिसोड टू ऑल आर डेली वेज अर्नर्स, ऑल आर स्पॉट बॉयज, ऑल आर लाइट मैन, विदाउट हुम दिस इंडस्ट्री वुड नॉट सर्वाइव। वेरी गुड। सो कैन वी कॉल ऑन स्टेज इंदर? प्लीज प्लीज इंदर जी आइए मंच पे, आइए मास्क उतार लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू इंदर। यस, थैंक यू फॉर कमिंग। वाओ वाओ वाओ, तो दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।